सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल न्यूज़ दीप। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक, और आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आ चुका हूं बहुत सारा यूट्यूब कम्युनिटी के बहुत सारा न्यूज़। तो वीडियो को बिना स्किप के देखना। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो हमारा सबसे पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है वो आता है हर्ष बेनीवाल, एजाज खान और पुनीत सुपरस्टार के बारे में। जी हां दोस्तों, पुनीत सुपरस्टार एजाज खान को सपोर्ट में लेते हुए हर्ष बेनीवाल को स्टोरी में अपना वार्निंग दे दिए हैं। यस गाइस, वो अपने स्टोरी में क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं हर्ष बेनीवाल को पुनीत सुपरस्टार। आइए मैं आपको वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। बेटा हर्ष बेनीवाल, तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जो तूने एजाज खान को रोस्ट मारा ना, वो वीडियो डिलीट कर दे, ध्यान रखियो। अबे हर्ष बेनीवाल, तू पौआ सा तो है एजाज खान के आगे। जहां पर एजाज खान के घुटने आते हैं वहां तक तेरी हाइट आती है, और तू उसको रोस्ट मारेगा। बेटा वीडियो डिलीट कर दे, समझ गया मेरी बात। सो गाइस, जो हमारा अगला न्यूज निकल के आ रहा है वो आता है एजाज खान के बारे में। जी हां दोस्तों, क्या एजाज खान अरेस्ट होने वाले हैं? यस गाइस, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंगना रावत को आप लोग तो जानते ही होंगे, वो एक एक्ट्रेस हैं, और दोस्तों वो सीखो के ऊपर एक मूवी बना रही है जिसके ऊपर एजाज खान काफी ज्यादा भड़क रहे हैं। और दोस्तों एजाज खान के फ्रेंड्स भी एक वीडियो में देखने को मिले हैं जहाँ पर वो कंगना रावत को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कंगना रावत इस मूवी को ना बनाए। एंड गाइस, वो अपने वीडियो में क्या कुछ कहते हैं, आइए मैं आपको वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। आप ये पिक्चर रिलीज करते हो तो सरदारों ने तो आपको चप्पल मारनी ही है, लाफा तो आपने खा लिया। मुझे इतना भरोसा है मेरे देश पे, आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन आणि मी एक वेरी प्राउड मराठी आहे। तर माझ्या देशमध्ये आणि माझ्या महाराष्ट्रामध्ये तू कुठे पण बाहेर दिसली ना, तर फक्त एक सिख नाही, एक मराठी पण, एक हिंदू पण, एक ख्रिश्चन पण और एक मुस्लिम भी तुझे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि चप्पलों से तेरा स्वागत करेगा। पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी बिना शीश के हाथ में खंडा लेके जंग लड़े, अमृतसर साहिब इतिहास हिस्ट्री को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर वो मूवी में दिख जाता है कि वो आतंकवादी है, याद रखना जिसका मूवी कर रही है ना तू, उसका क्या सेवा हुआ था? सतवंत सिंह और बैल सिंह कौन थे? वो भी रोल करने के लिए तैयार हो जाना, ये मैं दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि उंगल जो हमारी तरफ करता है वो उंगल ही छटका देते हम, तो वो संत जी के लिए हम अपना सर कटवा भी देंगे। जब सर कटवा भी सकते हैं तो हम काट भी सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के बाद एजाज खान को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, ट्विटर पर काफी ज्यादा हंगामा मच गया है, सभी लोग बोल रहे हैं कि एजाज खान को अरेस्ट कर लेना चाहिए। एंड बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस, बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। जो हमारा अगला न्यूज निकल के आ रहा है वो आता है किंग और एमयूए बंटाई के कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जी हां दोस्तों, किंग रिप्लाई किए एमयूए डिस्ट्रैक्ट के ऊपर। सो गाइस, कुछ दिन पहले एमयूए बंटाई के रॉकेट डिस्ट्रैक्ट आया था, और ये जो डिस्ट्रैक्ट है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोग काफी ज्यादा इनको हेट कर रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद किंग एक डिस्ट्रैक्ट लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, आप खुद सुन लीजिए। मेरे प्यारे एमयूए, मैं तेरे जैसा रैपर खा सकता हूँ एनी डे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू स्टे हम्बल, पर कोई बात नहीं, दिस विल बी योर लास्ट बीफ एनीवे। या मेरे एमयूए, जिंदगी हूँ पर तुझसे झेलेगा नहीं मेरा हुआ अगर एक बॉडी। दोस्तों किंग ने जैसे ही ये स्टोरी में ये डिस्ट्रैक्ट लगाया, उसके बाद एमयूए बंटे एक और डिस्ट्रैक्ट अपने यूट्यूब चैनल पर लाते हैं, और दोस्तों ये जो डिस्ट्रैक्ट का नाम है मीट द इंस्टाग्राम ऐप पर रखे हैं। एंड बाकी दोस्तों, इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे, आप अपना क्या ओपिनियन दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो गाइस, बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। जो हमारा अगला न्यूज निकल के आ रहा है वो आता है फुकरा इंसान के बारे में। जी हां दोस्तों, फुकरा इंसान को प्लेन में काफी ज्यादा उनको इज्जत सम्मान के साथ वेलकम किया गया है। प्लेन में जितने भी स्टाफ थे काफी ज्यादा अच्छा से फुकरा इंसान का वेलकम किए हैं। एंड गाइस, वो थोड़ा सा वीडियो डालते हैं, वो क्या कुछ दिखाते अपने वीडियो में, आई मैं आपको वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं। So, we are glad to fly with Mr. Abhishek Manak, also known as Pokrait San, with us today on Sea Bird to Alpha. Thank you so much, sir, for flying with us. He's a Indian YouTuber, famous Tinder, and the guy who bought multiple billions of bucks to the reality TV shows. Thank you so much for choosing India Express. We are glad to fly with you. Thank you. एंड बाकी दोस्तों, इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ओपिनियन अपना जरूर देना। एंड बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू।